नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लोबल एटॉमिक नेटवर्क टीम वॉरियर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत है। 24 सितंबर को दोस्तों 46 कंट्रीज़ में रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश में एटॉमिक रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप हम बांग्लादेश एटॉमिक रजिस्ट्रेशन का करेंगे। राइट साइड में आप देख रहे हैं एटॉमिक हब के ऊपर आपको क्लिक करना है, राइट साइड में इस वेबसाइट के ऊपर, और फिर ज्वाइन पे क्लिक करना है। जैसे हम ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये जो कंट्रीज़ की लिस्ट देख रहे हैं, ये 15 कंट्रीज़ है जिनमें एटॉमिक ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। अब हमें और इन कंट्रीज़ का क्वालिफिकेशंस सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, कितनी एज होनी चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इनके आगे रिस्पेक्टिवली दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको एटॉमिक बांग्लादेश में रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है। डाउन साइड में देखिए आप, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये 46 न्यू कंट्रीज़ की लिस्ट है प्लस में 15, ठीक है। तो ये 46 कंट्रीज़ में डाउन साइड जो है सबसे बांग्लादेश यहाँ पे थर्ड नंबर पे, ओके। तो यहाँ पे क्लिक करना है बांग्लादेश, और राइट साइड पे आपको फिर क्लिक करना है, यहाँ पे बांग्लादेश सेंटर में आ जाएगा, गो टू वेबसाइट। तो राइट साइड पे गो टू वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर इस प्रकार से एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर रखा है एटॉमिक ग्लोबल मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस, स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू एटॉमिक साइन अप। अगर आपके पास स्पॉन्सर है, आप बांग्लादेश में हैं, अगर आपके पास स्पॉन्सर है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे यस आई हैव ए स्पॉन्सर जो मिडिल में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। आपके पास स्पॉन्सर आईडी है और आपकी टीम है कहीं पर और आपके प्लान आपको ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेंटर वाला ऑप्शन है, और अगर आपकी टीम बांग्लादेश में आप ओपन करना चाहते हैं तो भी ये सेंटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यस आई हैव ए स्पॉन्सर। तो इसके ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट विंडो है वो ओपन होगी यहाँ पे, और इसमें 6 स्टेप हैं, ओनली 6 स्टेप्स है रजिस्ट्रेशन के। फर्स्ट स्टेप्स में मेंबरशिप गाइडलाइंस हैं, जो कि अगर आप एटॉमिक बांग्लादेश में काम करना चाहते हैं, आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं, और यहाँ पे आप मेंबरशिप जो गाइड है वो आपको पढ़ना है, यहाँ पे एक एक लाइन आपको पढ़ना है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके बाद चेक ऑल प्री सब्सक्रिप्शन चेक एंड एग्री करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे, उसके बाद नई विंडो ओपन होगी। नई विंडो में सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा यहाँ पे, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, ओके। अगर आप एटॉमिक बांग्लादेश के मेंबर बनना चाहते हैं तो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, ये आपको सारे की सारी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एटॉमिक के कोड ऑफ एथिक्स आपको पढ़ने हैं और एग्री करना है। एक एक गाइडलाइन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए एटॉमिक के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो, मेंबर एग्रीमेंट में क्या क्या एटॉमिक ने बांग्लादेश के लिए ओपन किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर रखी है और आपको ही पढ़ना है, ओके, ताकि आपको पता चले कि एटॉमिक की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और क्या क्या यहाँ की गाइडलाइंस है। आई एग्री करना है उसके ऊपर, फिर जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस आपको रीड आउट करना है, ये पढ़ना है सब कुछ, फिर उसके बाद आपको आई एग्री करना है अगेन, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इसके ऊपर जाना है, फिर ये टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़नी है, फिर एग्री करना है, और लास्ट में आई अंडरस्टूड एंड एग्री द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे अगेन आप थर्ड स्टेप पे पहुंचेंगे यहाँ पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है दोस्तों, ओके। उसके बाद इन्फॉर्मेशन, स्पॉन्सर और कंप्लीटेड आईडी, ओके। तो वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है, आपको अपना नाम डालना है यहाँ पे, फर्स्ट नाम डालना है, फिर लास्ट नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है, और लास्ट में एग्री पे और फिर नेक्स्ट, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बांग्लादेश सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको बांग्लादेश सेलेक्ट करना है, इसका कोड +880 है, और यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, और नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर, और ये आपका अपना मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे, और फिर कन्फर्म करना है यहाँ पे। तो जैसे आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला और कन्फर्म करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट डॉक्यूमेंट डालना है, जितने भी बांग्लादेश के मेंबर्स हैं उनको एज ए आईडी प्रूफ के तौर पे यहाँ पे अभी बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपको अपना पासपोर्ट डालना है और बांग्लादेश का मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे, आपको आपका पर्सनल मोबाइल नंबर, कोड लेफ्ट साइड में +880 है, राइट साइड में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ओके। तो इस प्रकार से आपको अपना ये एंटर करना है, और फिर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन मस्ट बी एंटर्ड एंड रजिस्टर्ड एज सेम एज पासपोर्ट और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो आपका गवर्नमेंट का आइडेंटिटी कोई भी डॉक्यूमेंट हो, या अगर आप बांग्लादेश के मेंबर है तो आपका बांग्लादेश का पासपोर्ट यहाँ पे फ्रंट और बैक यहाँ पे अपलोड करना है आपको, ओके। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको चेक करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और आई एग्री पे क्लिक करना है यहाँ पे, जो 3 बॉक्स हैं इसके ऊपर, और फिर आपको यहाँ पे प्लीज़ एंटर योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पे आपको अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नंबर डालना है। तो अभी यहाँ पे स्क्रीन के
के ऊपर आप देख रहे हैं। पासपोर्ट अगर किसी के पास है तो आप अपना पासपोर्ट नंबर डालिए या बांग्लादेश गवर्नमेंट का कोई भी आईडी प्रूफ, वहाँ का वोटर कार्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है बांग्लादेश में गवर्नमेंट का, जो डॉक्यूमेंट प्रूफ होता है कि आप वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, वोटर आईडी, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और उसका नंबर डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप डाल रहे हो वो चेक करना है सही है कि नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक तो कहीं पे नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने फ्रंट एंड बैक अपलोड कर चुके हैं पासपोर्ट का, और ऊपर फिर हमें यहाँ पे नंबर डालना है। ओके, तो प्लीज़ एंटर योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नंबर। तो यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर डाल सकते हैं या बांग्लादेश गवर्नमेंट का आईडी प्रूफ जो अपलोड कर रहे हैं फ्रंट और बैक, उसका आपको नंबर डालना है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फोर्थ स्टेप पे हम यहाँ पे आ जाते हैं। फोर्थ स्टेप में बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको फिलअप करना है, आपका एड्रेस, ईमेल आईडी, लाइक दैट। ओके, आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करनी है इस तरीके से, और उसके बाद स्पॉन्सर आईडी, और फिर लास्ट स्टेप। तो यहाँ पे आपको चेक करना है आपकी नेशनलिटी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मेल, पासवर्ड सेलेक्ट करना है, फिर अगेन पासवर्ड, फिर गेस्ट पासवर्ड आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे गेस्ट पासवर्ड में आपके कैपिटल लेटर होने चाहिए, डिजिट होने चाहिए। ओके, स्पेशल करेक्टर्स होने चाहिए गेस्ट पासवर्ड में स्पेशली। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डालनी है। ओके, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ठीक तरीके से डालना, स्पेलिंग डालते हो स्पेलिंग चेक करके ही आपको सब कुछ डालना है यहाँ पे, विदाउट स्पेलिंग चेक के यहाँ पे नहीं करना कुछ भी। फिर आपको अपना पासवर्ड डालना है, और फिर जो पासवर्ड सेलेक्ट करते हो आप उसको भी आपको राइट डाउन करना है, और फिर ईमेल आईडी, फिर एड्रेस, और उसके बाद नेक्स्ट। ओके, तो इस स्टेप के अंदर अब हम यहाँ पे आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, गेस्ट पासवर्ड, और उसके बाद ईमेल एड्रेस, और फिर आपका एड्रेस, और उसके बाद स्पाउस की इन्फॉर्मेशन अगर डालनी है तो यस कर सकते हैं, नहीं डालनी है तो नो कर सकते हैं। ओके, तो गेस्ट पासवर्ड यहाँ पे आपको मिनिमम 6 to 16 करेक्टर्स में डालना है गेस्ट पासवर्ड। तो गेस्ट पासवर्ड में आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, और डिजिट्स होने चाहिए, नंबर्स वगैरह। ओके, मल्टीपल्स होना चाहिए आपका जो गेस्ट पासवर्ड है, लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे गेस्ट पासवर्ड हम बाद में चेंज कर रहे हैं अगेन, ठीक है। तो गेस्ट पासवर्ड में आपका मिक्स होना चाहिए सब कुछ, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे करना है। जैसे ही हम यहाँ पे नेक्स्ट पे करेंगे, उसके बाद जो आपके नेक्स्ट विंडो है जिसमें आपको स्पॉन्सर आईडी डालना है वो यहाँ पे आपको डालना होगा। ओके, जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपका स्पॉन्सर आईडी यहाँ पे आ जाएगा, और आपका स्पॉन्सर कौन है, उसका स्पॉन्सर आईडी क्या है, वो यहाँ पे आपको डालना होगा फिफ्थ स्टेप में। ओके, जो पांचवा जो स्टेप है उसमें आपको अपना स्पॉन्सर आईडी डालना है। स्पॉन्सर आईडी में आप किसके नीचे ज्वाइन कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। स्पॉन्सर आईडी डालने के बाद आपको जो राइट साइड पे देख रहे हैं सर्च पे क्लिक करना है, और सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके स्पॉन्सर का नाम यहाँ पे आ जाएगा, लाइक दैट। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना स्पॉन्सर आईडी डालना है, और फिर सर्च करना है, स्पॉन्सर का नाम आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद सेंटर सेलेक्ट करना है जो कि एटोमी इंडिया होगा। ओके, तो लाइक दैट। तो हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं स्पॉन्सर आईडी नंबर, और उसके बाद सर्च पे क्लिक करना है हमें। ओके, तो जैसे हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो उस सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ठीक है, स्पॉन्सर आईडी, फिर सर्च पे क्लिक करेंगे तो सेंटर में स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा उस स्पॉन्सर आईडी किसके नाम से है, लाइक दैट। इस तरीके से आपके सेंटर में आएगा, आपको सेलेक्ट करना है, चेक करना है नाम सही है कि नहीं आपके स्पॉन्सर का। ओके, लाइक दैट, और फिर सेलेक्ट करना है इसको, ठीक है। सेलेक्ट करते ही उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे नाम आ जाएगा ऑलरेडी, राइट। अगेन आप दोबारा से भी चेक कर सकते हैं सर्च पे क्लिक करके, और उसके नीचे देख सकते हैं कि आपकी जो आईडी प्लेस होगी आपके स्पॉन्सर के, वो लेफ्ट में जाएगी। स्क्रॉल डाउन करके इसको चेक कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट में खाली है। तो ये फर्स्ट आईडी यहाँ पे इस स्पॉन्सर के लेफ्ट में जाएगी आपकी। जो भी फर्स्ट आईडी रजिस्टर होती है किसी के स्पॉन्सर के नीचे, वो ऑटोफिल पोजिशन में उसके लेफ्ट में लगती है। ओके, और फिर यहाँ पे आपको एटोमी इंडिया सेंटर है ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आई विल चूज़ दिस सेम एज दिस स्पॉन्सर, जैसे आपके स्पॉन्सर का जो सेंटर है वही आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, और फिर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका आईडी
रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, लास्ट स्टेप, और आप अपना आईडी पासवर्ड नोट करके रखिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो नेक्स्ट स्टेप है स्पॉन्सर आईडी डालना है। यहाँ पे जैसे स्पॉन्सर आईडी आप यहाँ पे डालोगे, उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिसके आपका जो स्पॉन्सर उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद जो सेंटर सेलेक्ट करना है वो इंडिया का सेंटर सेलेक्ट करना है आपको। ओके, आई विल चूज़ द सेम सेंटर एज द स्पॉन्सर, जो सेंटर आपके स्पॉन्सर का है इंडिया का, तो इंडिया करना है। फिर नेक्स्ट करना है, और जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे आपकी आईडी कंप्लीटेड हो जाती है, और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। वेलकम इन टीम वॉरियर बांग्लादेश, कॉन्ग्रेचुलेशन, एटोमी मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड। और नीचे आईडी और पासवर्ड आपका आ जाएगा, यहाँ पे आप करके रख लीजिए, और फिर मेंबर आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं। ओके, लाइक दैट। तो साइन इन करके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी आईडी लॉगिन हो रही है या नहीं। तो इस तरीके से आप बांग्लादेश एटोमी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने एटोमी ज्वाइन नहीं किया, अगर आप बांग्लादेश में हैं, तो डेफिनेटली आप टीम वॉरियर के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर हमारा स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी दिया गया है।